गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे हैं, मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत। सार्थक पहल के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भाग पाँच और भाग पाँच में पढ़ रहे हैं हम राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी संवैधानिक प्रावधान है। तो सबसे पहले पढ़ा अपने आर्टिकल 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 क्या दिया है, कार्यपालिका की जो शक्तियां है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 54 निर्वाचक मंडल, आर्टिकल 55 निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन की विधि या निर्वाचन की प्रक्रिया। आर्टिकल 56 कार्यकाल, कार्यकाल। आर्टिकल 57 पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति के पद के लिए एक व्यक्ति दो बार या उससे अधिक बार निर्वाचित हो सकता है। 58 योग्यता है। और 59 में सेवा शर्तें वेतन भत्ते आवास इससे संबंधित बातें काय में लिखी है, आर्टिकल 59। आर्टिकल 60 में क्या दिया, शपथ, काय की शपथ लेते हैं निम्नलिखित, संविधान के उसी को बोल देते हैं, हाँ। देखो जो शब्द मैंने लिखवा है ना ए टू जेड वही याद करना है, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसमें अपने विवेक और ईयर वो नहीं, एज इट इज जैसा का वैसा। परिरक्षण रक्षण एवं कर्तव्य निष्ठा है, पदीय दायित्व की, संविधान के प्रति परिरक्षण की, रक्षण की और कर्तव्य निष्ठा है, तीनों इसकी। और बाकी लोग का ही सिर्फ पदीय दायित्व की शपथ लेते हैं, ठीक, संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। 61 में क्या दिया है, महाभियोग, राष्ट्रपति के विरुद्ध लाए जाने वाले महाभियोग की प्रक्रिया। 62 में क्या दिया, पद रिक्ति के संबंध में निर्वाचन कितने समय में होगा और कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, पूरे 5 वर्ष का होगा, जो 57 में दिया, 57 में दिया कार्यकाल, नहीं 55 में निर्वाचन की प्रक्रिया दी, जो दिया है वही होगा। फिर हमने आर्टिकल 62 पढ़ा, राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, पदावधि वही होगी जो आर्टिकल 56 के अधीन रहते हुए 5 वर्ष के लिए होगी। फिर 63 में यहाँ उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति। 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 65 आकस्मिक, राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और बड़ा कठिन होता है। उपराष्ट्रपति के कार्य लिखने के लिए आता है, हमसे बनते हैं तो ये कार्य है उसका, यही एक कार्य है। 64 में दिया है आर्टिकल 64 में दिया ना उपराष्ट्रपति का कार्य कि वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जो सभापति होने के जितने भी दायित्व हैं, सभा की अध्यक्षता करना, अधिवेशन बुलाना, आहूत करना, उसे समाप्ति की घोषणा करना, अभिभाषण देना, ये पूरे काम करेगा। फिर और क्या होता है उपराष्ट्रपति के कार्य, ये वाले लिखेंगे, राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसकी कृत्यों का निर्वहन करना। अब सोचिए यदि यही क्वेश्चन आ गया, हमने 2 पॉइंट लिखे, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 2 पॉइंट लिखे तो 2 नंबर मिलेंगे, 2 पॉइंट लिखे तो 2 नंबर मिलेंगे, क्योंकि 5 लाइन तो इतने में ही हो जाती है, 5 से 6 लाइन। लेकिन यदि हमने आर्टिकल के साथ में लिख लिया तो 3 नंबर भी मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है। तो हमें ए टू जेड याद करना है, मुझे नहीं लगता कि हम इतने अच्छे से संविधान दोबारा कभी पढ़ पाएंगे, या आप लोग ही पढ़ोगे ना तो आप लोगों को ऐसा लगेगा ये तो हमने सब पढ़ा हुआ है, तो फिर आप स्किप करते जाओगे क्लास को। इसलिए ए टू जेड अभी एक साथ में पढ़ लो, दोबारा फिर नहीं हो पाएगा ना, तो मैं पढ़ा पाता हूँ किसी चीज़ को एक बार पढ़ाने के बाद,
और ना आप लोगों की पढ़ने की इच्छा होगी। जैसे हिस्ट्री हमने एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लिया, अब जब भी मैं पढ़ाऊंगा तो उसको छोड़ छोड़ के पढ़ाऊंगा, दोबारा उतने अच्छे से नहीं। अब 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कि कौन कौन निर्वाचक मंडल में होंगे, तो राष्ट्रपति की इसमें क्या संसद के निर्वाचित सदस्य, और इसमें क्या संसद के सदस्य। ठीक, फिर योग्यताएं भी इसी में दी हुई है। 66वें भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त कर ली हो, और किस सभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। 67 पढ़ा अपने उपराष्ट्रपति की पदावधि, तो उपराष्ट्रपति की पदावधि कितनी है, पद ग्रहण दिनांक से 5 वर्ष, पद ग्रहण दिनांक से 5 वर्ष। और वही यदि हम राज्यसभा के उपसभापति का कार्यकाल पूछे तो 6 वर्ष। क्यों? सदस्य के रूप में, सदस्य राज्यसभा सदस्य होने के नाते उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, 6 वर्ष का होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा थोड़ी है, उसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है कि जिस दिन वो राज्यसभा का सदस्य बना उसी दिन वो उपसभापति बन जाए, वो तो 2-3 साल के लिए भर बनते हैं सीनियरिटी के आधार पर। 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित, मैंने बोला था ये उतना महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है। अब शुरू होता है यहां से 72, जो आज की शुरुआत हम करेंगे आर्टिकल 72। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति भाग 6 में भी पढ़ेंगे हम, तब तुलनात्मक रूप से भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाग 6 में अर्जुन? ये क्वेश्चन पीएससी ने पूछा था इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, पीएससी ने नहीं, संविधान शाला शिक्षक वर्ग 1 में पूछा गया क्वेश्चन। राज्य सरकार की नहीं, राज्यपाल की, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति हम काल पढ़ेंगे भाग 6 में। तुलना करना पड़ता है किसमें क्या अंतर है, क्या राज्यपाल महोदय मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति महोदय की क्षमादान शक्ति, राष्ट्रपति महोदय की क्षमादान शक्ति। कितने रूप से क्षमा कर सकते हैं राष्ट्रपति? 5 रूप से। कौन कौन से 5 रूप उसके? बिल्कुल ठीक। किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए व्यक्ति को पूर्ण रूप से क्षमा क्या कर सकते हैं? पूर्ण रूप से क्षमा कर सकते हैं, अभी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम इन्हें, पूर्ण रूप से क्षमा कर सकते हैं, अल्पीकरण या लघुकरण, अल्पीकरण या लघुकरण। एक है परिहास, परिहास विराम या अविलंबन, विराम या अविलंबन और प्रविलंबन, प्रविलंबन। ये 5 तरीके से, 5 तरीके से। अब क्या क्या चीजें हैं इसे भी हम देखेंगे। तो पूर्ण रूप से क्षमा मतलब क्षमा ही कर देना, और अल्पीकरण या लघुकरण मतलब जो दंड दिया हुआ है उसे कम कर देना, कम कर देना, परिहास कर देना, रूप बदल देना, दंड का रूप बदल देना। विराम या अविलंब, विराम या अविलंब मतलब क्या? सजा को रोक देना, सजा को रोक देना मतलब एक निर्धारित समय अवधि के बाद में, कि अभी नहीं इसके बाद में। और सेम इसका भी है प्रविलंबन, प्रविलंबन स्थान बदल देना, ये वो है इसके अंतर्गत।
तो इस तरीके से सजा को वो या तो पूर्ण रूप से माफ कर सकता है, क्षमा कर देना, पूर्ण रूप से माफ कर देना, या सजा का रूप बदल देना, या उसकी समयावधि में परिवर्तन कर देना, या फिर सजा को कुछ समय के लिए टाल देना, सजा को कुछ समय के लिए टाल देना। तो ये इस तरीके से राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं। लेकिन क्या है इसमें, कुछ कंडिकाएं भी हैं, कुछ कंडिकाएं भी है। उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश सैन्य न्यायालय ने दिया हो, सैन्य न्यायालय ने दिया हो, कोई कोर्ट मार्शल वगैरह हो रहा हो, तो राष्ट्रपति के पास अपील कर सकते हैं, इन्हीं मामले में करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या दिया है, उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश ऐसे विधि के विरुद्ध हो, ऐसे विधि के विरुद्ध हो जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। इस पॉइंट को अच्छे से समझे, क्या बोलना चाह रहा था प्रिया ने इस माध्यम से, देखो सैन्य न्यायालय सेना जो है केंद्र सरकार की, तो उससे संबंधित जो भी मामले हैं उसमें सजा वो जा सकते हैं अपील में राष्ट्रपति महोदय के पास में क्षमा करने के लिए जा सकते हैं। दूसरा, संघ सूची के जितने भी विषय है इससे संबंधित किसी ने कोई अपराध किया है और फिर उसे सजा मिली है तो फिर माफी के लिए कहाँ जाएंगे, राष्ट्रपति महोदय, भू राजस्व संहिता का उल्लंघन किया है तो ये जा सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि राज्य सरकार का विषय है, राज्य सरकार का विषय है, तो राज्य सरकार के विषय का यदि उल्लंघन किया तो सजा और फिर सजा मिल जाती है तो कहाँ जाएंगे वो, राज्यपाल के पास। संघ सूची के विषय का उल्लंघन किया हुआ है तो फिर कहाँ जाएंगे वो, राष्ट्रपति महोदय के पास, क्लियर एकदम। अगला लिखेंगे, उन सभी मामलों में जिनमें मृत्युदंड दिया हो तो मृत्युदंड वाले मामले में केंद्र सरकार के पास जाना पड़ेगा, मतलब राष्ट्रपति महोदय के पास जाना पड़ेगा चाहे वो मामला कहीं का भी हो। यही बात भाग छह के लिए क्लियर हो जाती है कि मृत्युदंड वाला मामला हो तो राज्यपाल महोदय जी उसमें माफ नहीं कर सकते, क्लियर हो गया है? तो राष्ट्रपति महोदय की क्षमादान की शक्ति। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 73। आर्टिकल 73 क्या है, 73 ये राष्ट्रपति महोदय जी से संबंधित तो नहीं है उतना, सामान्य सा है, मंत्री परिषद से संबंधित है ये। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, मतलब इस उपबंध के अधीन जो है वो राज्य सरकार के किसी मामले है इससे उससे संबंधित भी वो विधि बना सकती है, ये ऐसी शक्ति इनको दी हुई है। अब राष्ट्रपति महोदय से संबंधित लगभग लगभग यहाँ पर आर्टिकल क्या हो गए, खत्म। अब कुछ आर्टिकल बचे हुए हैं, हम चाह रहे हैं कि उनको भी राष्ट्रपति महोदय से संबंधित यहीं पर पढ़, क्योंकि उसके बाद में क्या होगा,
मंत्रिपरिषद का काम शुरू हो जाएगा। तो राष्ट्रपति महोदय से संबंधित एक आर्टिकल हम 74 पढ़ लेते हैं यहाँ पर, 74 आर्टिकल 74। एक तो सीधा सा मंत्रिपरिषद, मंत्री परिषद जैसे संसद का प्रावधान काय में दिया हुआ है 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81, ऐसे मंत्रिपरिषद इसका प्रावधान किसके लिए कहां दिया है 74, राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, स्पष्ट इतना सा लिखा हुआ है। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होंगे। मंत्रिपरिषद की लिखेंगे इसे मंत्रिपरिषद, फिर समझा देता हूं मैं, मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह की न्यायालय में जांच नहीं होगी, न्यायालय में जांच नहीं होगी, न्यायालय में जांच नहीं होगी। ठीक है, राष्ट्रपति मतलब मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय को सलाह देंगे, राष्ट्रपति महोदय इनके सलाह से ही काम करेंगे। ठीक है, अब ये न्यायालय की जांच के दायरे में नहीं है कि इन्होंने क्या सलाह दी थी क्या नहीं दी थी, दी थी या नहीं दी, मतलब जो राष्ट्रपति ने कर दिया वो ठीक है, जो मंत्रिपरिषद ने सलाह दी थी वो ठीक थी, ये जाँच के दायरे में नहीं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति की शक्तियां बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे, राष्ट्रपति महोदय की शक्तियां, ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, राष्ट्रपति महोदय की शक्तियां बड़ा क्वेश्चन है ये, और संविधान का एक बड़ा पार्ट इसमें क्लियर हो जाएगा, कुछ आर्टिकल भी जो नए वाले हैं हम इसमें पढ़ लेंगे। तो सबसे पहला है कार्यकारी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां क्या होती है, कार्यकारी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां नियुक्ति संबंधी शक्तियां, कुल मिलाकर नियुक्ति संबंधी शक्तियां कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। जैसे 74 में अपन ने क्या पढ़ा, मंत्रिपरिषद होगी, लेकिन 75 में क्या पढ़ते हैं, नियुक्ति, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति महोदय करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। सीएजी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। महान्यायवादी की नियुक्ति, राष्ट्रपति। तो जितने भी प्रमुख आयोग वगैरह है इसके अध्यक्षों की नियुक्ति, सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा ही की जाती है, ये क्या है उनकी कार्यकारी शक्तियां। ढेर सारी कंडिकाएं इसमें आ जाएगी, जैसे निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे तो किस आयोग किस आर्टिकल में दिया है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, सीएजी पढ़ते हैं तो 148 में दिया हुआ है, ये पूरी की पूरी बातें इसमें हम लिखते चलेंगे, एक एक करके दिमाग में अपने चलते रहना चाहिए। तो पहली शक्तियां कौन सी उनकी, कार्यकारी शक्तियां, प्रमुख इसलिए बनाया गया है कि जहां जिसकी जरूरत हो उसको नियुक्त करे और अपना काम उनसे करवाए, कार्यकारी शक्ति प्रमुख होता है, राष्ट्र प्रमुख होता है, राष्ट्र प्रमुख होता है। दूसरा है इनकी विधायी शक्तियां, पहला हो गया कार्यकारी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां, और दूसरा है विधायी शक्तियां। अब यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति की शक्ति लिखिए, 3 नंबर का क्वेश्चन दे दिया तो क्या लिखेंगे, धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति की शक्ति लिखी पूर्व अनुमति के बाद, तो उसमें आर्टिकल 110 भी तो लिख सकते,
आर्टिकल 110 के तहत जब लोकसभा अध्यक्ष उसे धन विधेयक घोषित कर देता है या धन विधेयक का सर्टिफिकेट उसके साथ लगा देता है तो राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में उसे पेश सॉरी लोकसभा में उसे पेश किया जा सकता है, ये उसकी शक्ति है। ठीक, उसी प्रकार साधारण विधेयक के संबंध में साधारण विधेयक की शक्ति है कि कोई भी विधेयक जो है राष्ट्रपति की नहीं स्वीकृति के पश्चात ही कानून बनता है, उसमें आर्टिकल 111 का 311 आर्टिकल 111 आर्टिकल 111 के तहत जो है कोई भी विधेयक जब संसद से स्वीकृत होता है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाता है। राष्ट्रपति महोदय जी या तो उसे स्वीकृत कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं या जीवी पॉकेट वीटो का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कोई भी विधेयक कानून तब तक नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर नहीं हो जाते। फिर आर्टिकल 108 साधारण विधेयक के संबंध में यदि लोकसभा राज्यसभा में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती है तो ये संयुक्त अधिवेशन आमंत्रित करते हैं और उसमें बहुमत के आधार पर कोई निर्णय लेते हैं। क्लियर होगी विधायी शक्ति है, ये विधायी शक्ति। अब वित्तीय शक्तियां, वित्तीय शक्तियां अभी बताया हमने वित्तीय शक्तियों के बारे में, एक बता दिया वित्त विधेयक के संबंध में, और वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, सीएजी की नियुक्ति कौन करता है, ये इसमें भी आएगा और वित्तीय शक्तियों में अंतर होता है। आगे हम एक बड़ा चैप्टर पढ़ने वाले केंद्र राज्य संबंध और उसमें वित्तीय संबंध पढ़ेंगे, वित्तीय संबंध पढ़ेंगे, वो सब आएगा। आर्टिकल 112 के तहत कोई सरकार का जो बजट होता है राष्ट्रपति द्वारा ही प्रस्तुत करवाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा ही वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है लेकिन कौन करवाता है, राष्ट्रपति करवाता है। तो ये काय में आएगा, वित्तीय शक्तियों में आएगा। हमें ढूंढना पड़ता है उत्तर, दिमाग में चलते रहना चाहिए, इसको रट नहीं सकते, ऐसे क्वेश्चन को हम रट नहीं सकते, इसे हमें जोड़ना पड़ता है इधर से उधर इन घटकों को। ठीक, अब इसके बाद में दिया इसके न्यायिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियां अभी पढ़ा हमने, न्यायिक शक्तियां अभी पढ़ा हमने, न्यायिक शक्तियां आर्टिकल 72 के तहत पढ़ा ना हमने, क्या कर सकता है, क्षमादान कर सकते हैं, और क्या हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों को शपथ और पद नियुक्ति, हाँ 124 आर्टिकल 123 नहीं 143 सलाह लेने की, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेने की शक्ति आर्टिकल 143 इसे लिखेंगे, बहुत बार एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधान, तो बस वो 52, 53, 54, 55 तक लिख के खत्म कर देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति, कोई भी विषय हो, कोई संविधान संशोधन से संबंधित कोई विधेयक आ गया हो, कुछ हो, तो इस संबंध में ये सलाह ले सकते हैं। आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियों में क्या 50 से आगे 51, 52, 53 सब आपातकाल से जुड़े हुए टॉपिक है, 351 से आगे 351 में भी वही दिया है, 352 में घोषणा करता है वो, लेकिन प्रावधान तो 351 से शुरू है। ठीक, 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन, और 360 में वित्तीय आपातकाल इनकी घोषणा करो राष्ट्र, तो ये काम में आएगा आपातकालीन शक्ति। हम इसको डिटेल में अलग पढ़ने वाले हैं, हमने तो अभी सिर्फ एक रूपरेखा बना रहे हैं कि ये है करके, आगे तो हम पढ़ेंगे इसके संबंध में, जो संविधान जब 352 पढ़ेंगे, 356 पढ़ेंगे, 360 पढ़ेंगे, तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अब है सैन्य शक्ति, राष्ट्रपति की शक्ति, सैन्य शक्ति,
सैन्य शक्ति सैन्य, तो आर्टिकल 53(2) पढ़ापन कली पढ़ाशन 53(2) राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। युद्ध की घोषणा करना है, समाप्ति की घोषणा करना है, संधि की घोषणा करना है, तीनों घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। ये सैन्य शक्ति होती है। उनकी नियुक्ति, सेनाध्यक्षों की नियुक्ति वगैरह कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अब और डिटेल में यदि देखें तो एक है राजनयिक शक्तियां, राजनयिक शक्तियां, ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन है। राष्ट्रपति की राजनयिक शक्तियां, सरिता जी गुड मॉर्निंग, आप दिखे ही नहीं थे मुझे अभी तक। हाँ, राजनयिक शक्तियां किस आर्टिकल में दी? पर जो विदेशों में राजदूत वाइपुत जो नियुक्त करते हैं अंबेडकर, अंतर्राष्ट्रीय संधि संगठन के वो राष्ट्रपति हेमलता जी, नहीं पता आपको ये क्या नाम है, का नाम क्या आपका? दिनेश, दिनेश ना, ठीक है। इनको ग्रुप में ऐड किया अंबेडकर ग्रुप में? किसने किया? आपने? अच्छा, बहुत पहले कर दिए, कितने समझदार हो। राजनयिक शक्तियां दी हुई आर्टिकल 52 में, उसमें किया ये भारत का राष्ट्रपति होगा और जितने भी अंतरराष्ट्रीय समझौते हैं ये उसी के नाम से किए जाएंगे ना, तो राजनयिक शक्तियां कहां में दी है? आर्टिकल 52, ठीक है। अन्य देशों के साथ समझौते राष्ट्रपति के नाम से, चाहे कोई भी जाए विदेश में किसके नाम से जाते हैं? राष्ट्रपति के प्रतिनिधि बनकर ही जाते हैं। ये बात अलग है कि अब इनको बहुत कम जगह घूमने का मौका मिल रहा है अभी बीते समय में, लेकिन वैसे जाना तो नहीं तो चाहिए, जाना तो नहीं तो चाहिए। विदेशी यदि कोई आए तो उनसे समझौता भी यही करेंगे, उनसे उनका स्वागत है, वो राष्ट्रपति महोदय नियम के लिए। अन्य देशों के आए राजदूतों उच्चायुक्तों का स्वागत ये सब कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी करेंगे। और ये कायम दिया आर्टिकल 52, राजनयिक शक्तियां, राजनयिक शक्तियां। हमने विधायी शक्तियां पढ़ ली, ये भी लेकर पढ़ा ना भी पक्का क्या करता है? बिल्कुल ठीक। और क्या वीटो पावर शक्ति? हाँ देखो, और भी देख, आर्टिकल 331 ये क्या है? विधायी शक्ति है, ये विधायिका ही से संबंधित है ना, तो ये सब उसी में आएगा। आर्टिकल 331 लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करना। फिर आर्टिकल 83 राज्यसभा, 80 का संबंधित है राज्यसभा, और राज्यसभा में 12 जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं कौन करता है? राष्ट्रपति। ये भी विधायी शक्तियों में आएगा, याद रख 83 के तहत समाज सेवा, कला साहित्य से जुड़े हुए 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, ठीक। 83 में विधायी शक्तियां बड़ी होती है। एक है 85, आर्टिकल 85, ये अभी पढ़ा नहीं हमने लेकिन पढ़ेंगे। आर्टिकल 85 क्या होता है? 84 में क्या है? संसद के सत्र, ठीक है। और 85 में क्या? 17 को आहूत करना, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ये याद रखना। संसद के 17 को आहूत करना, 17वसान करना, वह लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का विघटन करना। एक और आर्टिकल यहां बीच में कहीं लिखेंगे, 86 हम अलग से जरूर पढ़ेंगे इसे, लेकिन चूंकि राष्ट्रपति संबंधित है तो राष्ट्रपति वाले कॉलम में होना चाहिए ताकि एक नजर हम पढ़े और यह में देख जाए। तो क्या है इसमें 86 में?
राष्ट्रपति का अभिभाषण। जब भी नई संसद का गठन होता है, पुराना पहला सत्र होता है, तो राष्ट्रपति वहाँ अभिभाषण देते हैं। हर साल का जो पहला सत्र होता है उसमें भी अभिभाषण देते हैं। जिस साल नई संसद का गठन हुआ हो तब कोई भी सत्र चले वहाँ अभिभाषण देंगे, और हर साल जो तीन सत्र होता है उसमें जो पहला सत्र होता है उसमें भी ये अभिभाषण देते। आर्टिकल 66 ये सबकी सब क्या है, उनकी विधायी शक्तियाँ। देखो यदि राष्ट्रपति महोदय की विधायी शक्तियाँ लिखी और 11 नंबर में क्वेश्चन आया तो खुश हो जाना चाहिए हमारे जवाब में, क्योंकि आर्टिकल से एक एक प्रावधान अब आपके पास में है, और ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ किताब में पढ़ा है, रट भी लिया है, उसको समझ भी लिया है, अब तो बन जाना चाहिए। कि अभी भी कन्फ्यूजन होगा इमले का नहीं होगा, पहले उसके लिए प्री पास करना पड़ेगा, फिर पता करेंगे कन्फ्यूजन होगा या नहीं होगा, है क्योंकि मेंस वाले पढ़ते कुछ है लिखते कुछ और ही है, और फिर याद तब आता है जब पेपर ख़त्म हो चुका होता है, इसमें तो ये भी लिखना था, इसमें तो ये भी लिखना था, क्या होता है। अब राष्ट्रपति महोदय से संबंधित एक आर्टिकल है 123 राष्ट्रपति महोदय जी से संबंधित है आर्टिकल 123 क्या राष्ट्रपति महोदय की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123। किस समय अध्यादेश जारी करते हैं सरिता जी, थोड़ा सरल क्वेश्चन आपके लायक एकदम, किस समय अध्यादेश जारी करते हैं, ये मत बोलना सुबह दोपहर शाम रात, ऐसा कुछ नहीं है नहीं पता, अर्जुन आप बताओ, जब संसद का सत्र न चल रहा हो, सीधी सी बात है भाई, कानून बनाना किसका काम है, संसद का, लेकिन संसद का सत्र न चल रहा हो और कोई इमरजेंसी आए हो तो फिर राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी कर सकते हैं। लिखेंगे जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हो और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसमें तुरंत कार्यवाही करना, तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक हो, तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक हो, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। क्या महत्व होता है इनका, इस अध्यादेश का अगले लाइन लिखेंगे डैश लगा के लिखा, बहुत महत्वपूर्ण है बात है, ये 5 नंबर का सेपरेट इसी संबंधित क्वेश्चन बनता है। इस अध्यादेश का वही अध्यादेश को लिखेंगे, वही बल प्राप्त है, वही बल प्राप्त है जो संसद के अधिनियम का होता है, अधिनियम का होता है। अब ये समाप्त कब तक होता है, इसकी अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है अध्यादेश की। देखो संसद के सत्र पड़े हैं साल भर में 3 होते हैं, लेकिन उनके बीच में 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। परंपरा रही अक्सर ये होता है जो कानून या बिल जो है वो संसद में नहीं रख, अधिवेशन में नहीं रख पाते हैं, या सरकार को ये अनुमान होता है कि ये रखेंगे और ये पास ही नहीं हो पाएगा, तो क्या कर देते हैं, जैसे ही सत्र खत्म हुआ अध्यादेश लेके आ जाते हैं, अध्यादेश लेके आ जाते हैं। लेकिन शर्त क्या है, इसमें संविधान प्रावधान है कि जब दूसरा सत्र बैठेगा
तब इसे या तो पारित करना है या फिर खारिज करना है, और यदि पारित कर दिया तो अधिनियम बन जाएगा, कानून बन जाएगा ये, और खारिज किया तो खारिज हो गया, और कुछ नहीं किया तो अपने आप ही शून्य हो जाता है, अपने आप ही शून्य हो जाता है। और राष्ट्रपति चाहे तो बीच में इसे वापस भी ले सकता है, राष्ट्रपति चाहे तो इसे बीच में वापस भी ले सकते हैं, लेकिन अधिकतम अवधि कितनी होगी इसकी, 6 माह 6 साल, क्योंकि ऐसा नहीं क्योंकि अधिवेशन बैठा और इसे पारित ही कर दे पहले ही दिन, 2-4-8 दिन तो चलता है ना, 15 दिन अधिवेशन चलता है, तो इसलिए कितना 6 माह 6 सप्ताह, अधिकतम अवधि 6 माह 6 सप्ताह। लेकिन यदि 6 माह 6 सप्ताह नहीं हुए और संसद का दूसरा सत्र बैठ गया, क्योंकि 4 महीने में भी बैठ सकता है, और उसमें यदि इसे पारित नहीं किया तो भी खारिज हो जाएगा, बस संसद का दूसरा सत्र न बैठा हो, एक शर्त ये थी, संसद का दूसरा सत्र न बैठा हो। संसद का अगला सत्र बैठ जाए तो फिर 6 माह 6 सप्ताह की टाइमिंग काउंट होगी क्या? नहीं, क्योंकि सारे समझ में, क्योंकि प्री में कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसमें से आपको 3-4 कथन दिए रहेंगे, तो उसमें से भी कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, तो ये ऐसे कथन दिए रहेंगे उसमें, तो आपको देखते रहना है। अब आर्टिकल 143 भी पढ़ लेते हैं जो राष्ट्रपति से संबंधित है। 143 क्या है इसमें? उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। परामर्श लेने की शक्ति, किस विषय पर परामर्श ले सकते हैं? विधि या विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है जिसकी प्रकृति व्यापक है, जिसकी प्रकृति व्यापक है, विधि से संबंधित कोई क्वेश्चन है, लेकिन जैसे अभी बीच में उठा था ये जो वयस्क वाली जो आयु है 18 वर्ष है, लेकिन जो बाल अपराधी होते हैं, बाल अपराधी होते हैं, और ये 376 जैसे केस में यदि फंस जाते हैं तो 16 वर्ष की उम्र में, ऐसे कुछ प्रश्न उठा था। तो ऐसा जब कोई प्रश्न उठा हो जो विधि से संबंधित हो और जिसका व्यापक प्रभाव उत्पन्न हो रहा हो, चूंकि ये संविधान वो संशोधन उसमें करना है, न्यायालय मतलब संसद इसमें कानून बनाएगी, तो राष्ट्रपति महोदय ऐसे प्रश्नों पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, और ये प्रावधान काय में दिया है? आर्टिकल 143, आर्टिकल 143। एक प्रावधान इसमें था 108 में, वो सबको पता है, संसद का संयुक्त अधिवेशन, ये भी राष्ट्रपति महोदय संबंधित है। एक है आर्टिकल 201, ये भी राष्ट्रपति संबंधित है। आर्टिकल 201 ये भी राष्ट्रपति से संबंधित है, विधायी शक्तियों में आएगा ये भी लगे तो। कैसे? 52 से 151 तक तो किसका है? भाग 5 में है ना, और 152 से काय में है? भाग 6 में है, राज्य सरकार। तो राज्य सरकार कानून बनाती है, राज्य विधानमंडल कानून बनाता है, तो उसे स्वीकृत करने के लिए आर्टिकल 200 के तहत किसके पास भेजा जाता है? राज्यपाल के पास में भेजा जाता है। लेकिन राज्यपाल महोदय जी को लगता है कि ये तो बड़ा बड़ा हथियार है, तो इसका जो प्रभाव है वो दीर्घकालीन हो सकता है, तो इसलिए क्या कर देते हैं, राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति के लिए भी रिजर्व कर देते हैं कि राष्ट्रपति महोदय बोलेंगे तो ही हम ऐसा करेंगे। तो ये कायम दिया आर्टिकल 201, आर्टिकल 201 लिखेंगे इसे।
राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल का, राज्य विधानमंडल का कोई ऐसा विधेयक, कोई ऐसा विधेयक जो हाईकोर्ट की, जो हाईकोर्ट की अधिकारिता, हाईकोर्ट की अधिकारिता प्रभावित करता है, हाईकोर्ट की अधिकारिता प्रभावित करता है, प्रभावित करता है, तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित, आरक्षित कर सकता है, आरक्षित कर सकता है, कर सकता है। ठीक, ये पूरी शक्तियां लगभग लगभग हमने पढ़ ली। वित्तीय शक्तियों में एक बार और अमरदीप आप बताओ क्या क्या आएगा वित्तीय शक्ति में। एक तो आर्टिकल 110 आएगा धन विधेयक, आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, आर्टिकल 117 वित्त विधेयक, ये भी उसी से संबंधित है कोई भी विधेयक हो, आर्टिकल 114 विनियोग विधेयक, आर्टिकल 280 अभी बताएगा थोड़ी देर पहले वित्त आयोग। प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति महोदय एक वित्त आयोग का गठन करेंगे, आर्टिकल 280 में दिया हुआ है। वित्त आयोग की नियुक्ति और गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। फिर आर्टिकल 266 और 267 ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 266 संचित निधि और 267 आकस्मिकता निधि, ये भी राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां है। 360 वित्तीय आपातकाल, ठीक है, बहुत बढ़िया। दिमाग तो है यार अमरदीप आपके अंदर, मैं तो सोच रहा था ऐसे ही हो आप। न्यायिक शक्तियां पढ़ लिया हमने, आर्टिकल 143 पढ़ा, 124 आर्टिकल 124 नियुक्ति सीजीआई की, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति 124 राष्ट्रपति करता है, ठीक है। अब 217 हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो न्यायिक शक्तियों में 4 आर्टिकल हो गए अपने, न्यायिक शक्तियों में 4 आर्टिकल, 72 सबको पता है, 143, 124 और 217। अब नहीं करेंगे इसे रिवीजन, अब हम एक ही क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इसे लिख लो यहाँ पे, ये जो आपातकालीन शक्तियाँ है इसको डिटेल में पूरा हम पढ़ लेते हैं। आपातकालीन शक्तियाँ 352, 356 और 360, थोड़ी जगह छोड़ के लिखेंगे इसे, डिटेल में पढ़ने वाले दोबारा शायद इस क्वेश्चन पे हम चर्चा नहीं करेंगे। आर्टिकल 352 क्या चीज है? 352 में सशस्त्र विद्रोह या बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या बाह्य आक्रमण। सबसे पहले 352 सशस्त्र विद्रोह या बाह्य आक्रमण, जब राष्ट्रपति को समाधान हो जाता है कि गंभीर आपात विद्यमान है, गंभीर आपात विद्यमान है,
विद्यमान है तब वो घोषणा कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? संपूर्ण भारत के लिए कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई तो पूरे भारत के लिए करना है, संपूर्ण भारत के लिए या भारत के किसी क्षेत्र के लिए भी कर सकता है, कर सकता है। तीन सौ बावन दो क्या दिया है इसमें? ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया 3 महीने के लिए तो भाई 3 महीने तक लगा ही रहेगा। यदि उनको समाधान हो जाए कि अब ऐसी परिस्थितियां नहीं रही है तो वो बीच में वापस भी ले सकता है। तो लिखो, उद्घोषणा में किसी कारण से परिवर्तन या वापस लिया जा सकता है। क्लियर है का? 352 एक के तहत घोषणा करता है, 352 में क्या है? यदि घोषणा किए तो उसमें परिवर्तन भी कर सकता है, वापस भी ले सकता है। अब 352(3) सबसे महत्वपूर्ण, ये राज्यसभा के लिए भी लागू होता है, राज्यसभा की भी शक्तियां है इसमें। देखो, मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर करता है, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कब करते हैं? मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर करते हैं। और बिना मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर कर सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन यदि संसद लोकसभा भंग हो, लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है तो भी आपातकालीन सत्र बुला के कर सकते हैं ये। लेकिन लोकसभा भंग हो गई हो और तब ऐसे आपातकाल की स्थिति निर्मित हो जाए तब राज्यसभा भी लिखित में परामर्श दे सकती है। क्लियर हो गया? ये काल में दिया है 352(3). किसके परामर्श पर? प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर घोषणा कर सकते हैं। अब क्या है, यहां तक क्लियर हो गया? 352(3) में है। 352(3). अब 352(4) ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आईएएस में, पीएससी में अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कथन पूछते हैं, पॉलिटिकल साइंस के कितने कठिन क्वेश्चन आ जाते हैं। चार कथन दिए रहते हैं, इसमें से कौन सा गलत है? ये हो सकता है जितना हम पढ़ रहे हो ये जैसा रहे वैसे ही क्वेश्चन में लिखा हुआ हो, ये भी हो सकता है। अब चौथा क्वेश्चन, अब मंत्रिमंडल ने तो लिखित परामर्श दे दिया, मंत्रिमंडल छोटा सा हिस्सा है, 15-20 लोग, ये तो दे देंगे लिखित परामर्श। लेकिन एक महीने के अंदर उसे संसद द्वारा पारित करना है, जो आपातकाल लगाया है उसको एक महीने के अंदर संसद द्वारा पारित करना है। ये काय में दिया है 352(4) में लिखेंगे, प्रत्येक उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी और एक मास की अवधि के दौरान पारित करना होगा। अब फिर ढेर सारे प्रावधान है इसमें, यदि लोकसभा भंग हो तो फिर क्या करेंगे? राज्यसभा ने तो पारित कर दिया, लेकिन जब नई लोकसभा गठित होगी तो एक महीने के अंदर तब भी उसे पारित करना होगा। ये भी प्रावधान है, जब लोकसभा का गठन होगा तब उसे पारित करना ही होगा, या तो खारिज करो या फिर पारित करो।
ठीक। अब 352 कोई भी उद्घोषणा की है, पहले समझ लो उद्घोषणा की है और वापस करने की घोषणा नहीं की, वापस लेने की घोषणा नहीं की, तो कब तक चलेगी वो घोषणा आपातकाल की? तीन साल तक वैसे चलती है। कैसे? छह माह में अपने आप ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि छह माह पहली बार में, एक बार में छह माह से अधिक समय के लिए नहीं लगा सकते, छह माह के अंदर उसे बढ़ाने की घोषणा करना पड़ेगा, है ना? क्लियर हो गया एकदम, लिखेंगे इसे अच्छे से। उद्घोषणा यदि वापस नहीं ली जाती है तो संकल्प पारित किए जाने की, संकल्प पारित किए जाने की तारीख से 6 माह की अवधि समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी। और यदि संकल्प दूसरा संकल्प यदि पारित कर लिया जाए तो फिर उसकी समयावधि बढ़ेगी, 6 माह तक और बढ़ा सकते हैं, 6-6 माह के लिए उसे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, ये इसमें सब कुछ डिटेल में पढ़ना होता है। अभी तक कितनी बार लगा है भारत में? 3 बार। पहली बार कब लगा? 1962 से 1965 तक, पहली बार 1962 से 1965 तक जवाहरलाल नेहरू जी के समय में, और दूसरी बार इंदिरा गांधी जी के समय में 1971 भारत पाक युद्ध जो 1977 में नहीं 1971, और फिर दूसरा तीसरा 1975 से 1977 ये भी इंदिरा गांधी जी के समय में, ये सब 6-6 महीने में बड़ी होगी फिर, है ना? हाँ, क्योंकि ये दूसरी वाली भी 77 में खत्म होती जाती है, वो बढ़ाते गए ना उसको। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 353, आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव, आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव। आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव, यह प्रश्न उठता है कि राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, राज्य सरकारों की शक्ति क्या हो गई? शून्य हो गई। तो ऐसे समय में क्या संसद उनके विधि विषयों पर कानून बना सकती है? 250 के तहत राज्यसभा वो तो कभी भी बना सकती है आपातकाल। हाँ, लेकिन इसमें क्या है, 353 में क्या दिया हुआ है कि सिर्फ इतना सा प्रभाव रहेगा कि निर्देश देने का प्रभाव रहेगा, सिर्फ निर्देश देने, ठीक है? बाकी जैसे ही स्थिति सामान्य हो जाएगी राज्य अपनी शक्ति का प्रयोग करते रहेंगे। जब लिखेंगे इसमें प्रभाव में, जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघ की कार्यपालिका
शक्ति का विस्तार किसी राज्य को इस बारे में निर्देश देना होगा कि वह राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का किस रीति से प्रयोग करे। तो ज्यादा महत्वपूर्ण, इसको ज्यादा कठिन करने की जरूरत नहीं है। जब आपातकाल की उद्घोषणा हो गई है और वो प्रवर्तन में है, मतलब आपातकाल लागू है, तो संघ की कार्यपालिका क्या करेगी? राज्य की कार्यपालिका का निर्देशन करेगी कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, बस यही है। ठीक, आगे लिखेंगे आर्टिकल 355 पढ़ते हैं। 354 उतना महत्वपूर्ण है, छोड़ देते हैं। 355 बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा किसका दायित्व है? केंद्र का, संघ का दायित्व होगा, संघ का दायित्व होगा। क्या? बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करने का संघ का कर्तव्य, संघ का दायित्व होगा। और जैसे मेघालय है, अभी मणिपुर वाला विवाद चल रहा है, जम्मू कश्मीर है या छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, ऐसे राज्य जहाँ आंतरिक विद्रोह हो सकते हैं, या जो सीमावर्ती राज्य है, जैसे तमिलनाडु में तमिल समस्या है, श्रीलंका का उसमें हस्तक्षेप हो सकता है, या बांग्लादेश से जुड़ की सीमा से लगे हुए राज्य है, वहां पर शरणार्थियों की समस्या बनी रहती है। तो ऐसी स्थिति में संघ का दायित्व होगा उनकी रक्षा करना, संघ का दायित्व होगा। तो फिर अब क्या करेंगे उसके लिए? 356 आर्टिकल 356 क्या दिया है? राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अब क्या उपबंध करेगा? राष्ट्रपति को कैसे पता चल जाता है कि वहां पर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया? क्योंकि राष्ट्रपति महोदय जी दिल्ली में है और जम्मू कश्मीर या फिर तमिलनाडु, ये दूरस्थ जो प्रांत है एकदम, या तो एकदम उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, ये कैसे पता चलेगा उनको कहाँ संवैधानिक तंत्र विफल हुआ? तो या तो अन्य किसी सूत्र से पता चल गया, या राष्ट्रपाल महोदय, क्योंकि राज्यपाल कौन है? केंद्र का प्रतिनिधि है, केंद्र का प्रतिनिधि है राज्यों में, तो राज्यपाल बताएंगे कि यहाँ पर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, या राष्ट्रपति शासन लगाना बहुत जरूरी है। तो ये आर्टिकल 356(1) आर्टिकल 356(1) यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा समाधान हो जाता है। समाधान बड़ा शब्द है यहाँ पे, उसमें यही बताया गया है
कि ये पता चल गया तो राज्यपाल महोदय ने प्रतिवेदन दिया है या अन्य किसी स्रोत से उनको पता चल गया है कि वहां संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है। ये समाधान हो जाना मतलब यही है कि संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, क्या क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति शासन लगने पर? अमरदीप, राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। हाँ, तो उसमें करते क्या है? उसमें सर अपनी जो शक्तियाँ है वो राज्यपाल को दे देते हैं, राज्यपाल फिर उस चीज का कंट्रोल करते हैं। मेरे हिसाब से राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति अपने हाथ में ले लेते हैं, राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो अपने हाथ में ले लेते हैं और फिर डेलीगेट कर देते हैं किसको? राज्यपाल को। बस यही प्रोसेस है उसमें। तो लिखेंगे इन कंडिकाए में, लिखेंगे नंबर एक या डैश डाल के लिखेंगे, उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य राज्यपाल के हाथ में सौंप सकते हैं, राज्यपाल के हाथ में सौंप सकते हैं। ठीक, ऐसे नहीं कि पूरी कार्यपालिका शक्ति है, कुछ कार्यपालिका शक्ति भी हो सकती है। दूसरा क्या कर सकता है, राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद के अधीन हो सकती है, संसद को भी दे सकते हैं। पहली बार में कितने दिन के लिए लगा सकते हैं? 6 माह के लिए, और फिर बढ़ाते रहे 6-6 महीने के लिए। सबसे अधिक बार कहां पर लगा है राज्यपाल शासन, राष्ट्रपति शासन? नहीं, मणिपुर। सबसे अधिक मणिपुर में और सबसे लंबी अवधि के लिए जम्मू कश्मीर। सबसे लंबी अवधि के लिए जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। अब 357 अनुच्छेद 360 के अधीन, अनुच्छेद 356 के अधीन, अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा? आप लोग बता दो, राज्यपाल करेगा, संसद करेगा, कौन करेगा विधायी शक्तियों का प्रयोग? संसद सर, क्योंकि कानून बनाना राज्यपाल का काम है क्या? नहीं, एक व्यक्ति बना सकता है क्या कानून? नहीं, तो संसद करेगी। 357 में दिया है कि यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है, वहां पर कोई कानून बनाना हो तो उस पर कानून कौन बनाएगी? संसद बना सकती है। आर्टिकल 358 कभी नहीं पढ़ते, ये आपातकालीन उपबंध में क्या पढ़ लेते हैं? 352, 356, 360 क्या है मर्दी बता? 358 मुस्कुरा तो ऐसे रहे हो जैसे सब कुछ मैं पता बोला कभी नहीं पढ़ते इसलिए ऐसे रहे थे। गुड, बहुत शानदार। ऐसा नहीं है, पढ़ते भी हैं लोग, पढ़ने वाले कुछ भी पढ़ लेते हैं। तो यही है, 19 की जो स्वतंत्रताएं दी उससे संबंधित प्रावधान दिया हुआ है, लिखेंगे इसमें। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के
उपबंधु का निलंबन। अब वो अपन ने पढ़ लिया 20 और 21 को छोड़कर, बाकी सारे जो अधिकार हैं, जो स्वतंत्रताएं हैं, वो भी निलंबित अपने आप ही हो जाती है। मतलब ये 19 जो है अपने आप ही निरस्त हो जाता है कुल मिला के, यहाँ वहां घूमने का बसने का, ये जो स्वतंत्रता दी है वो पूरी निरस्त हो जाती है। यदि क्वेश्चन बन जाए कि आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद स्वतः ही निरस्त हो जाता है, आर्टिकल 19, बाकी इसके तो निलंबन की घोषणा करना पड़ता है। 19 और 20, 21 को निलंबित कर ही नहीं सकते, चाहे आपातकाल हो या कुछ भी हो, लेकिन ये अपने आप ही निरस्त हो जाता है। तो आर्टिकल 359 जो अभी बकवास की मैंने वो दिया है, उसमें क्या दिया है होगा आर्टिकल, इसमें इसको छोड़कर मौलिक अधिकारों का निलंबन है ना, ये अपने आप ही हो जाता है। और किसका निलंबन किया जा सकेगा, ये काल में दिया है 359 लिखेंगे। आर्टिकल 359 आपातकाल के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। और कौन से दो मौलिक अधिकारों को छोड़कर, 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, निलंबित किए जा सकते हैं, हमेशा हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ उतनी अवधि के लिए, आपातकाल की अवधि के लिए, ठीक है। 359 आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल के संबंध में उपबंध किए हैं। अभी तक एक भी बार नहीं हुआ, मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर ही लागू होता है ये। और एक बार में कितने माह के लिए, सिर्फ 2 माह के लिए है इसका प्रावधान, वित्तीय आपातकाल एक बार में 2 मास की अवधि के लिए, और फिर उसे बढ़ाया जा सकता है, उसे बढ़ाया जा सकता है। अब जैसे इसमें वित्तीय आपातकाल में ये भी है, हाँ जैसे अपन ने पढ़ा जो राष्ट्रीय आपातकाल शुरुआत में घोषणा है 6 महीने के लिए करते हैं, तो इसमें एक आंकड़ा आया है 2 भाग, और उसको खैर मैंने शॉर्ट में बता दिया है, लंबा चौड़ा एकदम, आपका क्वेश्चन भी वाजिब है। लोकसभा का विघटन हो जाए, कुछ हो जाए, तो 2 मास की अवधि के दौरान इस तरीके का अनुमोदन लाना होता है। 6 माह वाले इसमें गंडी का नहीं है। यदि मान के चलो कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा हो जाए, कुछ हो जाए, लोकसभा का विघटन हो जाए, तो ऐसे समय में भी लोकसभा का विघटन यदि हो जाता है तो 2 मास की अवधि के दौरान उसका अनुमोदन करना आवश्यक होता है। ये किसके ऊपर लागू होता है, वित्तीय आपातकाल के दौरान। खैर इसको इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज तक ये कभी लगा ही नहीं है, लागू नहीं हुआ। डिटेल में पढ़ने वाली बात इसमें एक और है, क्या कि कुछ पद अपन नहीं पढ़े ना, कि इनके पद पर रहते हुए इनके वेतन भत्तों में और लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन वित्तीय आपातकाल के दौरान किया जा सकता है। स्पष्ट इसमें खंडिका दी है कि राष्ट्रपति इस अवधि के दौरान, इस अवधि के दौरान संघ कार्यपालिका के संबंध में सेवा करने वाले
संघ कार्यपालिका के संबंध में सेवा करने वाले जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्तों में, वेतन भत्तों में कमी करने के निर्देश देने में सक्षम होगा। इनके वेतन भत्तों में भी कमी की जा सकती है, वेतन भत्तों में भी कमी की जा सकती है। क्लियर हो गया? क्या पढ़ा हमने? राज्यपाल राष्ट्रपति महोदय की शक्तियां, राष्ट्रपति महोदय की शक्तियां। क्या छूट गया अमरदीप इसमें? अब कुछ छूटा क्या? सब छूटा। आर्टिकल 76 हाँ नहीं, वो तो भाग 5 में छूटा है, शक्तियों में पूछ रहा हूँ मैं। एक छूटा है विवेकाधीन शक्ति, है ना, विवेकाधीन शक्तियां। विवेकाधीन शक्तियां ये पढ़ेंगे आज हम। अभी दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 361, और फिर जो जितने भी भारत के राष्ट्रपति रहे हैं उनकी एक सूची हम पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 361 क्या दिया है? प्रकीर्ण जिसे बोलते हैं, या उन्मुक्तियां व विशेषाधिकार, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार 361, राष्ट्रपति महोदय जी के विशेषाधिकार, विशेषाधिकार कौन कौन से विशेषाधिकार? आर्टिकल 361 क्या? राष्ट्रपति अपने किसी कर्तव्य तथा अधिकारों का प्रयोग करते हुए किसी न्यायालय के प्रति, किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। यह भी पढ़ा था हमने, किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। जैसे आर्टिकल 74 में पढ़ा ना, क्या पढ़ा? मंत्रिपरिषद काय के लिए? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। इसका मुखिया कौन होगा? प्रधान। और ये न्यायालय के दायरे में नहीं आएगा कि उसने क्या सलाह दी और क्या बोला है। ऐसे ही अब राष्ट्रपति महोदय जी ने जो किया है वो संविधान के हित में किया है, और इसके लिए किसी न्यायालय में जिम्मेदार वो नहीं। ठीक। दूसरा, पद पर बने रहने के दौरान उनके विरुद्ध दांडिक व आपराधिक कार्यवाही चालू नहीं रखी जा सकती। ठीक है।
पहले वाले में एक कंडिका लिख लेंगे लगे तो, आर्टिकल 61 को छोड़कर पहले वाले में है ना, तो पहला लिखा ना आपने, राष्ट्रपति अपने किसी कर्तव्य का अधिकारों का प्रयोग करते किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, लेकिन महाभियोग तो लाया जा सकता है उनके ऊपर आर्टिकल 61 के तहत। ठीक, दूसरा क्या, न्यायालय वो दांडिक कार्यवाही तो की नहीं जा सकती, भाई हमने गुनाह किया आपको लगता है कि मैंने संविधान का अतिक्रमण किया तो पद से हटे तो जेल नहीं जा सकते उसके लिए, क्लियर हो गई ये बात। तीसरा, पद पर बने रहते हुए, तीसरा पॉइंट है, पद पर बने रहते हुए न्यायालय गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी नहीं कर सकता, गिरफ्तारी वारंट इनका जारी नहीं हो सकता। पाकिस्तान की बात अलग है, वहां कुछ भी हो जाता है, वारंट जारी नहीं कर सकते। चौथे नंबर पर, राष्ट्रपति पर सिविल कार्यवाही शुरू करने से पहले, सिविल कार्यवाही शुरू करने से पहले क्या करना पड़ेगा, लिखित में सूचना देना पड़ेगा और कितने दिन पहले। सिविल कार्यवाही अलग है, दो माह पहले वो तो उसके लिए है, महाभियोग के लिए 14 दिन पूर्व सूचना देना होता है। सिविल कार्यवाही यदि इनके ऊपर शुरू कर रहे हैं तो कितना, 2 माह पहले सूचना देना होगा, याद रखना है बराबर, नहीं तो अभी तो फेल हो गए थे। सरल सरल क्वेश्चन भी गड़बड़ कर देता है माहौल। क्लियर हो गया यहाँ पे, अब एक बड़ा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, विजयादित्य की आज आवाज भी नहीं सुनी मैंने तो उन्हीं से पूछ रहा हूँ मैं। राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां किस अनुच्छेद में दी गई है? अरे वो तो विशेषाधिकार है, राष्ट्रपति के भी है राज्यपाल के भी, यही है जहां राष्ट्रपति लिखा है ना उधर राज्यपाल भी लिख लेना 361 में, विशेषाधिकार दोनों के एक जैसे हैं। हाँ योगेश जी आप बताओ, 111 में दिया हुआ है। हाँ हेमलता जी, मैडम बताइए, हम आपसे इसलिए नहीं पूछते हैं कि सोचते हैं कि जब सारे घोड़े अड़ जाए तब आपसे काम लिया जाए, तब आपको परेशान किया जाए। चलो कोई बात नहीं, अमरदीप मतलब वो उनके स्वतः दिमाग से रहती है, पर जैसे मान लो कि जब वो प्रधानमंत्री, मान लो कुछ आर्टिकल भाई सीधी सी बात है, आर्टिकल में दिया हुआ होता तो संवैधानिक शक्तियां होती है ना, जो आर्टिकल में नहीं दी है, किसी आर्टिकल में नहीं दिया है वो उनकी विवेकाधीन शक्तियां है। जब कहीं कोई रास्ता हो ही नहीं, कहीं कोई लिखा ही ना हो, तब इनको अपने विवेक का उपयोग करना हो तो वो कहलाएगी ना विवेकाधीन शक्तियां। जब उनको स्वतः निर्णय लेना होता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, जब संविधान में ऐसा कुछ स्पष्ट दिया नहीं, जैसे लोकसभा में लोकसभा का गठन होता है, नई लोकसभा का चुनाव हो, अब संविधान में क्या लिखा हुआ है 75 में, जो बहुमत दल के नेता होगा बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बना देंगे। अब 76 में तो ये नहीं लिखा ना कि नहीं हो तो क्या करेंगे, तो अब क्या है कि अब किसी भी दल को बहुमत न मिले तो अपने विवेक से किसी को भी बोलेंगे कि आप प्रधानमंत्री बन जाओ, सरकार का गठन करो और फिर बहुमत साबित करो। तो ये विवेकाधीन शक्तियां, ऐसे जैसे इन्होंने 111 का बताया, 111 का बताया, उसमें दिया तो है कि किसी विधेयक को वो स्वीकृत कर सकते, अस्वीकृत करने के आधार तो नहीं दिए उसमें, उनकी इच्छा के ऊपर है, तो अब वो क्या सोच के उनको वापस नहीं कर रहा, ये विवेकाधीन शक्तियां। अब इसको हम किसी आर्टिकल में नहीं ढूंढेंगे, जो परिस्थिति जन्य जो शक्तियां मिली है। बड़ा सारा क्वेश्चन पूछा था आपसे मैंने,
तो मुझे पता था कि इसका उत्तर गलत ही मिलेगा, कोई जवाब सही नहीं देगा, क्योंकि ये समझने वाला क्वेश्चन है ना कि रटने वाला है। ठीक है, अब लिखेंगे राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां अर्थात परिस्थिति जन प्राप्त शक्ति है जिसका प्रयोग किसकी सलाह से करता है। हाँ जी, यहाँ पे भी गलत होगा, अपने विवेक से करता है या मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना करता है। मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना करता है, क्लियर हो गया। परिस्थिति जन्य शक्तियां जिनका प्रयोग वह मंत्रिपरिषद के सलाह लिए बिना करता है, जैसे नंबर एक, लोकसभा में यदि किसी दल के पास स्पष्ट बहुमत न हो तो राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का प्रयोग कर ऐसे व्यक्ति को पीएम बना सकता है जो लोकसभा का बहुमत प्राप्त कर सके, लोकसभा का बहुमत प्राप्त कर सके। क्लियर एकदम। दूसरा लिखेंगे, पीएम की आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को पीएम नियुक्त कर सकता है जो लोकसभा का विश्वास प्राप्त कर सके। क्लियर। तीसरा, मंत्रिपरिषद का विघटन कर सकता है यदि उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए। अब पहला पॉइंट क्या लिखा आपने, सबसे पहला यदि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर बहुमत साबित करने का अवसर प्रदान कर सकता है। लेकिन यदि ऐसा मौका देने के बाद में भी कोई बहुमत साबित न कर पाए तो क्या बार बार मौका ही देते रहेंगे, नहीं, विघटन कर देंगे। तो वही है अगला चौथा पॉइंट, यदि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो लोकसभा को
विघटित कर सकते हैं, लोकसभा को विघटित कर सकते हैं। और भी ढेर सारी विवेकाधीन शक्तियां हैं, जैसे आपातकालीन उपबंध लगाना है, नहीं लगाना है, घोषणा तो उन्हीं को करना है, तो फिर जहां चाहेगा, लेकिन वो संविधान में दी हुई है। अब हम बात करते हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रपति या भारत के राष्ट्रपति कौन कौन से हैं, क्या है सेंटेंस। राजू की राधा जाकर गिरी फकरू रेड्डी की जेल में, राजू की राधा जाकर गिरी फकरू रेड्डी की जेल में, रमा शंकर नारायण की कलम से क्या प्रतिभा निकली प्रणव राम की, रमा शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव राम की। इसके आगे और जोड़ना है, क्या जोड़ा है इसमें, प्रणव राम की द्रौपदी से। तो ये भारत के राष्ट्रपति। तो पहले नंबर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे नंबर पर डॉक्टर राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन, तीसरा जाकिर हुसैन, चौथे नंबर पे वी वी गिरी, पांचवे नंबर पे फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर संजीव नीलम रेड्डी। जैन में मतलब ज्ञानी जैल सिंह, रमा शंकर कौन है, सी वी रमन, डॉक्टर वी रमन, शंकर दयाल शर्मा। उसके बाद में 10 के आर नारायण, 11 एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणव मुखर्जी, रामनाथ कोविंद। और 15वें राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, तो ये क्रम से हमें याद रखना है, बराबर एक एक का नाम लिख के चलेंगे, दो दो लाइन उनके विषय में मैं लिखवाता चलूंगा, जो भी विशेष बात उनकी हुई। ये सूत्र याद कर लेना तो हमें क्रम से जो है नाम पता चल जाता है कि 12वें कौन से, 13वें कौन से, 14वें कौन से
क्वेश्चन अक्सर प्री में पूछ लिया जाता है 12वें राष्ट्रपति कौन, तो फिर ये फार्मूले से हमें पट से पता चल जाएगा 12वें राष्ट्रपति कौन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे पहले नंबर पे, कब से कब तक, 1950 से 1962 तक। 24 जनवरी 1950 को इनको पहली बार राष्ट्रपति चुन लिया गया। तो सर्वाधिक लंबा कार्यकाल कब से कब तक, 24 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। एकमात्र राष्ट्रपति क्या है इनके विषय में, एकमात्र क्या है, दोहरा कार्यकाल है ना, आर्टिकल 57 वाली जो स्थिति है, 57 में ही है, 56 में, पुनर्नियुक्ति है, पुनर्नियुक्ति। एकमात्र राष्ट्रपति जिनकी दो बार नियुक्ति रही है, बिहार के गांधी कहते हैं, और इनकी एक बुक है जो बड़ी फेमस है, इंडिया डिवाइडेड। डॉक्टर राधाकृष्णन दूसरे नंबर पर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन कब नियुक्ति हुई होगी, कब बने होंगे राष्ट्रपति, तेरह मई 1962, क्योंकि पद कभी ये रिक्त नहीं रहता, 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक, 5 वर्ष का कार्यकाल। प्रथम उपराष्ट्रपति थे, 10 वर्ष तक उपराष्ट्रपति रहे और उसके बाद राष्ट्रपति बने, दूसरे नंबर के। इन्हें भारत रत्न भी मिला है, 1954 में मिल गया था, कि पहले भारत रत्न थे फिर राष्ट्रपति बने। गैर राजनीतिक, भारत रत्न दर्शन शास्त्र में कैसे मिलेगा किसी, ये दार्शनिक राष्ट्रपति बोल सकते हैं इन्हें, लेकिन भारत रत्न जो है वो ऐसे विषय विशेष के लिए नहीं मिलता, दर्शन शास्त्र हो गया, दार्शनिक राष्ट्रपति बोला गया है इनको, वही लाइन में लिखवा रहा था, प्रथम गैर राजनीतिक, गैर कांग्रेसी दार्शनिक राष्ट्रपति। और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस इन्हीं के जन्म दिवस पर डॉक्टर जाकिर हुसैन तेरह मई 1967 से 3/5/1969 तक, मात्र 2 साल का कार्यकाल। कारण क्या है, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, पद पर रहते हुए मृत्यु, पद पर रहते हुए इनको भारत रत्न मिला, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति जिनका पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, क्या बजाते थे आर्मी में, तबला वादक, तबला वादक, प्रसिद्ध तबला वादक। एक कहानी भी है इनकी जिसको पहले पढ़ते थे, मैडम ने भी शायद पढ़ी होगी, बकरी वाली अब्बू खान की बकरी, तीसरी या चौथी क्लास में थी पहले, अब नहीं पढ़ाते होंगे ना क्लास में, है क्या, पहले पढ़ी ना, चलो अच्छी बात है। अब्बू खान की बकरी, भेड़िया से भिड़ जाती है ना ये जंगल में जाती, क्या चांदनी, बहुत बड़ी चांदनी,
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के चांसलर भी रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के चांसलर भी रहे हैं। फिर डॉक्टर वी वी गिरी अब 3-5 को उनकी मृत्यु हुई थी, तो 3-5 को तुरंत तो किसी को बना नहीं सकते, चुनाव नहीं हो सकता, उपराष्ट्रपति महोदय नहीं कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया होगा। तो वीवी गिरी 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 ये पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे, मतलब ये उपराष्ट्रपति के रूप में थे तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे। और चुनाव लड़ा फिर इन्होंने राष्ट्रपति का, और चुनाव की पद्धति क्या होती है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति, पसंद देना पड़ता है, पहली पसंद के आधार पर इनको निर्धारित कोटा प्राप्त नहीं हुआ था, तो दूसरी पसंद को भी काउंट किया था, और दूसरी पसंद के आधार पर जीतने वाले ये पहले राष्ट्रपति, दूसरी मतगणना के आधार पर जीतने वाले पहले राष्ट्रपति, दूसरी मतगणना के आधार पर जीतने वाले पहले राष्ट्रपति। श्रीलंका में भारत के राजदूत रहेंगे, ७५ में भारत रत्न मिला है, और दो रचनाएं हैं इनकी महत्वपूर्ण, दोनों रचनाएं लिखेंगे, इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन पहले नंबर पे, इंडस्ट्रियल और दूसरा माय लाइफ एंड टाइम, इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन माय लाइफ एंड टाइम, माय लाइफ एंड टाइम क्या छूट गया सर, एक लाइन छूट गई थी पीछे, फोर्थ नंबर के कौन, वीवी गिरी, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने भी यही बताया कि इन्होंने चुनाव भी लड़ा, तो चुनाव लड़ने के लिए वो पद से अपने को इस्तीफा देना पड़ेगा, तो क्योंकि लाभ के पद पर रहते हुए जिनको संचित निधि से कि पैसे प्राप्त हो रहे हैं तो वो तो चुनाव लड़ नहीं सकते। तो उपराष्ट्रपति थे ये, फिर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, उपराष्ट्रपति के रूप में तो कार्यकाल चलेगा इनका, लेकिन चूंकि इनको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो इस्तीफा देना पड़ा, और इस्तीफा देने के इसमें एम हिदायतुल्ला जो चीफ जस्टिस थे वो भी मतलब यहाँ पे राष्ट्रपति के पदभार में रहे। अब हम पढ़ेंगे फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक, अब इनका भी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, मतलब मृत्यु, महाभियोग तो अभी तक किसी पे पूरा हुआ ही नहीं है, तो मृत्यु, दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति और कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु। फिर नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982
नीलम, संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए प्रथम राष्ट्रपति। निर्विरोध चुने गए प्रथम राष्ट्रपति। इसके बाद हम पढ़ेंगे ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 1987 कार्यकाल इनका 1982 से 1987 पहले सिख राष्ट्रपति। जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले पहले राष्ट्रपति। जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले पहले राष्ट्रपति किस विषय में था? पोस्ट ऑफिस बेस्ड डाकघर से संबंधित। सबसे अधिक अध्यादेश जारी किए। उन्नीस से 1987 कार्यकाल, इस बीच में 1984 की एक बड़ी घटना प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या है ना, इन्हीं के कार्यकाल इन्हीं के समय हुई थी। और ऐसा बोला गया कि ये जो अपराधी है वो कहाँ छुपे हुए हैं, मंदिर में छुपे हुए हैं अमृतसर के। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार भी चलाया गया, बहुत उपद्रव दंगे फसाद भी थे इसमें। ऑपरेशन ब्लू स्टार फिर आठवीं राष्ट्रपति आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन 1987 से 1992 तक सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति। और इस समय क्या थी राजनीतिक अस्थिरता है ना, गुजराल जी, चंद्रशेखर, ये ढेर सारे प्रधानमंत्री। तो सर्वाधिक पीएम को शपथ दिलाई, सर्वाधिक पीएम को शपथ दिलाई। ये उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और राज्यपाल भी रहे हैं, उपराष्ट्रपति भी और राज्यपाल भी रहे हैं। अब शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश से संबंधित राष्ट्रपति, जन्म मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 फिर के आर नारायण, ये है आर के नारायण, वो अलग है कार्टूनिस्ट है ना, और ये के आर नारायण 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक, 25 जुलाई 2002 तक प्रथम क्या थे, प्रथम दलित राष्ट्रपति। विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ राजनेता का खिताब मिला इनको। फिर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कब से कब तक,
2002 से 2007 पीपुल्स प्रेसिडेंट इन्हें बोला जाता है, पीपुल्स प्रेसिडेंट, जनता के राष्ट्रपति। अविवाहित, फिर चुनाव की वीडियोग्राफी की शुरुआत इनके चुनाव से ही शुरू हुई। किसको हराया था इन्होंने? लक्ष्मी सहगल। लक्ष्मी सहगल कौन थी? ये आजाद हिंद फौज, याद है अमर जी? लक्ष्मी सहगल को इन्होंने हराया था और भारत रत्न भी मिला था उनको, पहले मिल गया था। ये क्वेश्चन पीएससी ने पूछा है, एपीजे अब्दुल कलाम जी को भारत रत्न कब दिया गया? हेमलता आप बताओगे क्या? आपका जन्म कब हुआ था? 2001। मैं एपीजे अब्दुल कलाम जी का नहीं पूछ रहा हूँ, आपका पूछ रहा हूँ। चलो अच्छी बात है, उससे पहले ही मिल गया था तो आपको कैसे पता रहेगा? 1997 में, तो 1997 में इनको भारत रत्न मिला है। देखो भारत रत्न से संबंधित मैंने जितनी बार पीएससी दिया है, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया है, उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का भारत रत्न पूछा है, राजीव गांधी जी का भारत रत्न पूछा है, एपीजे अब्दुल कलाम जी का पूछा है, इनका पूछा गया एग्जाम में। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से 2012 क्या है भारत की प्रथम क्या थी? है महिला राष्ट्रपति। और क्या था? सुकोई विमान से उड़ान भरने वाली प्रथम राष्ट्रपति, सुकोई विमान से उड़ान भरने वाली प्रथम राष्ट्रपति। और क्या किया इन्होंने? वो काम किया जो अक्सर महिलाएं करती नहीं है। क्या है विजय? सबसे अधिक क्षमादान किए 48 times। वैसे महिला ही सब काम करती नहीं है, क्षमादान और ये तो इन्होंने किया है। सबसे अधिक क्षमादान कितने? 48। कुछ लोग मेरी इस बात से नाराज हो सकते हैं, तो क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मेरा जो अनुभव है वो बता रहा हूँ। हाँ, 13 नंबर के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी 2012 से 2017 तक प्रथम बंगाली राष्ट्रपति। फिर उसके बाद रामनाथ कोविंद जी 2017 से 2022 तक दूसरे दलित राष्ट्रपति। जन्म कहाँ के थे? बिहार के कानपुर, यूपी में जन्म हुआ था और बिहार के राज्यपाल रहे हैं। जन्म कानपुर यूपी में और राज्यपाल बिहार के रहे। फिर लास्ट जो वर्तमान में कार्यरत है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी 2022 से अब तक दूसरी महिला राष्ट्रपति और प्रथम अनुसूचित जनजाति समुदाय की राष्ट्रपति। किसको हराया था इन्होंने? यशवंत सिन्हा को हराया था।
तो आज के लिए इतना ही बहुत है। कल हम मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री आदि, इससे संबंधित उनका कार्यकाल वगैरह क्या होता है, ये सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सभी लोग क्लास अटेंड करेंगे। आज के लिए इतना। सार्थक पहल के साथ जुड़ने के लिए, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।